हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो यह मेरा फर्स्ट ब्लॉग है और यहाँ वीडियो है। इसमें मैं आपके साथ कुछ इंटरेस्टिंग शेयर करूँगी। मैं ईशा जोगा सेंटर सदगुरु जी को काफ़ी टाइम से फॉलो कर रही हूँ और मैं इंटरेस्टेड भी हूँ स्पिरिचुअलिटी में। मैं ग्रो करना चाहती हूँ स्पिरिचुअलिटी में, तो मैं ईशा जोगा सेंटर को काफ़ी टाइम से फॉलो कर रही हूँ। बट मैंने कभी ऐसा उस चीज़ के लिए कभी किया नहीं ऐसा कि मैं कोई बहुत ज़्यादा उधर गई हूँ, विजिट की हूँ। बट मैं ना काफ़ी टाइम से फॉलो कर रही थी, तो मैं काफ़ी ज़्यादा अपने डे टू डे लाइफ में कुछ प्रोडक्ट्स ऐड करना चाहती थी सदगुरु के वहाँ से। तो वहाँ पे ईशा लाइव करके उनका चलता है, तो उसमें ना बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं डे टू डे लाइफ में यूज़ करने के लिए जो वहाँ सदगुरु के होते हैं। तो मैंने एक बॉक्स मंगवाया वहाँ से, तो आज मैं बॉक्स की अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ। तो मैं सोच रही थी मैं आप लोगों को दिखाऊँ इस बॉक्स के अंदर क्या मंगवाया है मैंने और कैसा पहुँचा। ये मेरा फर्स्ट पैकिंग है। पैकिंग की बात करें तो पैकिंग बहुत अच्छी आई है। अगर मैं बात करूँ आपको चार से बहुत वेल मैनेज पैक है, सबसे अच्छी बात है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इसमें फ्रिज आई करके लिखा है। कोई भी कंटेनर ऐसा है जिसमें चीज आपने ऐसे मंगवाई है जो बेक हो सकते हैं, टूट सकते हैं, तो उसके लिए मैंने बहुत अच्छी तरह स्लिप लगा कर दिया फ्रिज आई कि कोई भी जो उसको लगाया हैंड ओवर करें उसके अंदर प्रॉपर से सील हो कि कोई भी उसको प्लेस करेंगे रखिए तो अच्छे से पहुँचे। ऐसा नहीं कि कहीं भी थ्रो कर दिया फेंक दिया, जैसे आमतौर पर पार्सल पहुँचते हैं। ये सबसे अच्छी चीज़ है कि पैकेजिंग बहुत अच्छी है। पहुँचने का टाइम की बात करूँ तो बहुत अच्छे से पहुँच गया, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अराउंड 31 तारीख को अगर ऑर्डर किया होगा तो मुझे 7 तारीख को रिसीव हो गया। हरियाणा पहुँचाई है जो आइटम, मैंने तमिलनाडु से आई है तो विद इन टाइम एक प्रोटेक्टिव वे में पहुँची, तो सफिशेंट टाइम। अब बात करूँ इसके अंदर खोलने की, तो उससे पहले मैं आपको इसका बाहर से पूरा पैकेजिंग क्लोजअप व्यू दिखा देती हूँ, फिर मैं आपको अंदर दिखाऊंगा। के सामने इसकी अनबॉक्सिंग करूँगी। मैं यहाँ कट कर रही हूँ, मुझे नहीं पता कैसा होगा। चलो यहाँ से कट करते हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड गाइस। भी देख सकते हो, अगर आपको होगा कुछ मंगाना है आप भी साइट पे जाके उनकी वेबसाइट पे जाके ऑर्डर कर सकते हो। काफ़ी अच्छे समझ थोड़ी कॉस्टली है वहाँ पे, पर फिर भी कितना ऑथेंटिक होंगे, फिर कॉस्टली तो ऑटोमेटिकली हो ही जाता है। इसलिए कॉस्टली तो है बट इट्स ओके, चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। बहुत अच्छे से ऐसे लगा सकती हैं जिससे आप लोगों का ख़राब ना हो। मैं इसको इस्तेमाल कर लूँगी किसी नई चीज़ के लिए, तो मुझे काफ़ी अच्छे से दिया था। आप उसको कहीं भी इस्तेमाल भी कर सकते हो कहीं ऐसे रखने के लिए। मेरे पास प्लांट्स हैं तो मैं प्लांट्स के नीचे रखूँगी पानी सोख कर। मैंने ऐसे डूब भी है मुझे क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले मैं प्रोडक्ट की बात करती हूँ। मैंने ये प्रोडक्ट मंगवाया है, ये क्या है, ये टूथ पाउडर है। टूथ पाउडर है, बहुत सारे फोन्स में मिलता है, मैंने ये वाला मंगवाया है। इसमें देख सकते हो हर्बल टूथ पाउडर है, तो ये मंगवाया मैंने। मैंने ट्रायल बेसिस पर मंगवाया है, अगर मुझे बेटर लगा तो मैं और भी एडवांस मंगवा सकती हूँ, तो आप जरूर देखोगे इसको। ये मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट आया है। सेकेंड प्रोडक्ट की बात करूँ तो मैंने ये टेबलेट्स मंगवाई है, त्रिफला टेबलेट्स हैं। डाइजेशन के लिए अच्छी होती है, किसी कॉन्स्टिपेशन रहती है उसके लिए भी अच्छी होती है, पेट साफ हो जाता है अच्छे से, तो ये उसके लिए बहुत अच्छी है। इसमें 100 ऑफ टेबलेट्स होती है, आई थिंक 3 मंथ को इजली चल जाएगी, तो बहुत अच्छी है। मैं आपको प्राइस और डिटेल्स बाद में इसके एक वीडियो भी शेयर करूँगी। उसके बाद मैंने बहुत क्यूट चीज़ मंगवाई है, ये है एक ब्रश, बैम्बू ब्रश है, ये मैंने मंगवाया है, आप देख सकते हैं।
क्यूट है ये स्किन है। उसके बाद बात करें तो ये कुछ उसके बाद में ओपन करेंगे, काफ़ी ज़्यादा सीवियर है उसको बाद में ओपन करेंगे। इसके अंदर के लिए ये हुआ है, ये ना संजीवनी करके ना एवरीडे सुपर फूड आता है, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। जैसे आप ऑफिस में काम करते हैं तो आप ना इंस्टेंट कभी कभी कुछ नहीं बना पाते, थके होते हो, आपको खाने का मन है पर आप नहीं ले पाए, पर आपको हेल्दी इंस्टेंट रेसिपी, आप इसको पानी में घोल के दूध में घोल के ड्रिंक कर लो तो मल्टी न्यूट्रिएंट्स है, मल्टी ग्रेन्स है, तो आपको हेल्प प्रोवाइड करेंगे। तो इसके साथ ही चल सकते हैं, मैंने ट्राई नहीं किया, मैं ट्राई करने के बाद जरूर रिव्यू करूँगी टेस्ट वाइज कैसा हो बाकी चीज़ें कैसी है। बट वैसे इसके मैंने रिव्यू जो किया था उन्होंने काफ़ी अच्छा बताया था हेल्दी, तो कुछ अच्छी चॉइस आप इसके साथ भी चल सकते हो। इसके बाद मैंने क्या मंगवाया, शेयर भी करूँगी कि कैसे बनाया जाता है, उसका टेस्ट कैसे है। उसके अलावा मैंने टर्मरिक पाउडर मंगवाया, बेसिकली वैसे टर्मरिक तो मार्केट में मिल जाते हैं बट मैं सुबह मॉर्निंग में हल्दी पी डाल के पानी पीना गर्म पानी में पसंद करती हूँ, तो इसलिए मैंने स्पेशली हेल्दी और नेचुरल टर्मरिक मंगवाया जिसका मैं खाने के लिए इस्तेमाल करूँगी। मार्केट से लिया है उसके अलावा मैंने मंगवाया है ये भी है जैगरी, तो शुगर अल्टरनेटिव के लिए मैंने जैगरी मंगवाई है, ये भी मैंने वहाँ से मंगवाई है। तो अब चीनी का अल्टरनेटिव तो मैंने इसका चूज़ किया है जैगरी को, आप भी कुछ कर सकते हो, आपको लगता है कि आपको नहीं कहीं और प्रोडक्ट का जाना है उसके साथ भी जा सकते हो, ये मैंने जैगरी मंगवाई है। तो खाली हो गए, अब आपके साथ मैं ये वाला पार्सल और ये वाला पार्सल शेयर करूँगी। इन दोनों में क्या होगा, सबसे पहले खोल सर इसको, कटिंग रखनी है इसकी, तो जो ना ओपन करना मुझे बहुत मुश्किल लगता है, पता नहीं क्यों। अनबॉक्सिंग होता तो बहुत सेटिस्फाइड होता है, मुझे बहुत लेजी लगता है, जितना ज़्यादा टाइम लगे ना उतना ज़्यादा रिव्यू करते हो इन चीज़ों को। ओके जो हम यूज़ कर सकते हैं हनी डाल के स्वीटनेस के लिए, तो मैंने सोचा कि शुगर की जगह
पता है मैंने क्या मंगवाया, पर मैं आपका फुल भी शेयर कर दूँगी मैंने क्या मंगवाया। आप लोग भी ऑर्डर कर सकते हो, ये तो मैंने मंगाया था, उसमें आपकी जरूरत की चीज़ें भी हैं, क्लॉथ्स भी हमारे पास प्योर कॉटन के क्लॉथ्स, थोड़े कॉस्टली हैं पर ठीक है, वहाँ से ले सकते हो जैसे योगा करना चीज़ के साथ आपके साथ आऊँगी। कोई नया टॉपिक हो सकता है, कोई नई चीज़ हो सकती है, अगर आप